फ्रेंड्स, अगर आपको मैं एक सेंटेंस दूं और कहूं कि इसे ट्रांसलेट करें, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोलना है या कैसे ट्रांसलेशन करना है? जैसे जहां लिखा हो कुछ तो या एक तो, जैसे कुछ तो मोटापा और कुछ तो छोटे कद की वजह से उसे छाड़ दिया गया। तो फ्रेंड्स, क्या आप इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर सकते हैं? फ्रेंड्स, कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं जहां हम कहते हैं कुछ तो, और इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए हम पार्टली बिकॉज ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, यानी वर्ड कुछ तो या एक तो, इन दोनों के लिए आप पार्टली बिकॉज ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, आइए इस बात को एग्जाम्पल में बेहतर तरीके से समझें। लिखा हुआ है कुछ तो मोटापा, तो आप कुछ तो के लिए पार्टली बिकॉज ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। आप लिखेंगे पार्टली बिकॉज ऑफ फैटनेस, यानी कुछ तो मोटापा के लिए आप पार्टली बिकॉज ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। फिर आगे लिखा हुआ है और कुछ तो छोटे कद की वजह से, तो फिर आप और कुछ तो के लिए एंड पार्टली बिकॉज ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। यानी आप एक ही सेंटेंस में दो बार पार्टली बिकॉज ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। और कुछ तो छोटे कद के वजह से, तो आप कहेंगे एंड पार्टली बिकॉज ऑफ अंडरसाइज्ड, उसे छांट दिया गया, तो आप कहेंगे ही वॉज रिजेक्टेड, यानी उसे रिजेक्ट कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि जब आपके सेंटेंस में लिखा हो कुछ तो आप पार्टली बिकॉज ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, और आपके उसी सेंटेंस में एक बार और आएगा और कुछ तो आप उसके लिए एंड पार्टली बिकॉज ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है फ्रेंड्स कि आप ये सोच रहे हो कि उसे छाड़ दिया गया के लिए मैंने ही वाज रिजेक्टेड क्यों लिखा। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूंगा ये पैसिव के सेंटेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव के सेंटेंस में वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। ये बात मैं आपको पैसिव वॉइस के लेसन में बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप वो वीडियो देख चुके हैं और आपको वो बात पता है। आइए फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि आप इस टॉपिक को शानदार तरीके से समझ सकें। फ्रेंड्स, लिखा हुआ है कुछ तो गरीबी और कुछ तो लापरवाही के चलते वह मर गई। तो आप इस सेंटेंस को ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, कुछ तो गरीबी आप कहेंगे पार्टली बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, और कुछ तो लापरवाही के चलते, तो आप कहेंगे एंड पार्टली बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस वह मर गई, सी डाइड। तो फ्रेंड्स, आपने यहां देखा कि आपके सेंटेंस में दो बार कुछ तो आया हुआ है, इसलिए आपने दो बार पार्टली बिकॉज ऑफ का इस्तेमाल किए। हो सकता है फ्रेंड्स आप ये सोचें कि के चलते के लिए क्या लिखा गया है, या मैंने अपने पिछले सेंटेंस में यहाँ लिखा था की वजह से। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूंगा कि आपके सेंटेंस में के चलते या की वजह से लिखा हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कोई इंग्लिश वर्ड इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उस वर्ड की इंग्लिश आपके टॉपिक में मौजूद है। यानी पार्टली बिकॉज ऑफ एंड पार्टली बिकॉज ऑफ का मतलब होता है कुछ तो प्लस और कुछ तो के चलते या के वजह से। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने इस एग्जाम्पल को समझा। कुछ तो गरीबी और कुछ तो लापरवाही के चलते वह मर गई, पार्टली बिकॉज ऑफ पॉवर्टी एंड पार्टली बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस शी डाइड। आइए फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। फ्रेंड्स, लिखा हुआ है एक तो असफलता और एक तो होड़ की वजह से मैं हिम्मत हार गया। फ्रेंड्स, होड़ मतलब कंपटीशन, और हिम्मत हार जाना को आप गिव अप कहते हैं। अक्सर आप ये फ्रेज वर्ड न्यूज़पेपर और सीरियल्स में जरूर सुनते होंगे, गिव अप यानी हिम्मत हार जाना या दम तोड़ देना। तो फ्रेंड्स, एक तो असफलता और एक तो होड़ की वजह से मैं हिम्मत हार गया, तो आप कहेंगे पार्टली बिकॉज ऑफ फेलियर एंड पार्टली बिकॉज ऑफ कंपटीशन आई गेव अप। आइए फ्रेंड्स, लास्ट एग्जांपल देखते हैं। फ्रेंड्स, लिखा हुआ है कुछ तो बीमारी और कुछ तो जहालत के वजह से वह सब कुछ खो दिया, तो आप कहेंगे पार्टली बिकॉज ऑफ सिकनेस एंड पार्टली बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मीन्स जहालत या अज्ञानता। ही लॉस्ट एवरीथिंग, वह सब कुछ खो दिया, यानी ही लॉस्ट एवरीथिंग। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को आप मिलाकर ऐसे कह सकते हैं पार्टली बिकॉज ऑफ सिकनेस एंड पार्टली बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस ही लॉस्ट एवरीथिंग। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह टॉपिक बड़े शानदार तरीके से समझ में आया होगा कि जब आपको इस तरह के सेंटेंस बोलना हो जहाँ लिखा हो कुछ तो आप इस तरह के सेंटेंसेस को पार्टली बिकॉज ऑफ
और एंड पार्टली बिकॉज ऑफ के मदद से बोलेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।